क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक आप रेशन नंबर इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में आपको बताएंगे फाइंड, मान लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, या सो एग्जांपल दिया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए फाइंड द, हमें दिया है कि फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 -8/21 प्लस 5/22 प्लस 5/22। ये मान लीजिए हमें सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लिए देख लीजिए। हमें दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट दिस क्वेश्चन गिविन 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। दिस इज क्वेश्चन वैल्यू एंड दिस अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन टू एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे टू दिस एलसीएम, एलसीएम हुआ 7, 11, 21, 22। ये क्या होगा, इसके एलसीएम होगा। और जब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो इस प्रकार करेंगे 7, 11, 21 और 22। तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे पहले सबसे 2 से डिवाइड करेंगे 7, 11, 21 ये हो जाएगा 11। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 से 7, 11, 7, 11। अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए 1, 11, 1, 11। अब इसे 11 से डिवाइड कर लीजिए 1, 11, 1, 1, 1। ये आपका एलसीएम आ गया 2, 3, 7, 11। 2, 3 जा 6 और 6, 7 जा 42। 42 × 11 इसमें कर लीजिए 11 × 22 यानी 2 और 11 × 4 = 44 और 2 = 46। ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया इसका, आपका एलसीएम कितना है, एलसीएम आया हमारा 462। ये आपका एलसीएम फाइंड हो गया। और इस एलसीएम को इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 3/7 हो जाएगा -6/11 ओके -8/21 प्लस 5/22 ये कितना हो गया 5/22। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम होगा हमारे पास, एलसीएम होगा इसका एलसीएम निकालेंगे 462। अगर हम इससे इसका पहले इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हो जाएगा आपका 7 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
इसके जो फोर ये सिक्स वाला है, क्योंकि इसमें फोर जा फोर सिक्स सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, फोर्टी टू और यहाँ फोर्टी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें थ्री का माइनस, इससे ग्यारह से डिवाइड इलेवन से डिवाइड करें, इलेवन से डिवाइड करेंगे और इलेवन फोर जा इलेवन फोर जा फोर्टी फोर और अच्छा टू इलेवन टू जा ट्वेंटी, इलेवन टू जा ट्वेंटी मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स का
माइनस 21 का इसमें डिवाइड करिए 22, 42 हो जाएगा, 22 आ जाएगा 42, इसमें कितना बचा, इसमें बचेगा इसमें 4, तो ये हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ओके, इसमें समझ में आ रहा है। इसका डिनोमिनेटर डिवाइड किया तो 22 बार गया, 22 बार जाएगा इसमें ऊपर, इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा आपका, इसमें इसमें डिवाइड दे दीजिए 42 और इसमें इसमें 2 बार जाएगा और इसमें 1 बार जाएगा मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 66 मल्टीप्लाई 3 तो वो बन जाएगा आपका, इसमें 36 + 8 हो जाएगा 18, 36 + 18 और कैरी 1 16 over 19 198 198 तो हो जाएगा माइनस, इसमें कर दीजिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, लेवल कैरी 1 बचेगी 16 + 12 कैरी 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 24 और 125। इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस मल्टीप्लाई, इसमें 6 से इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 का करेंगे 8 × 660 स्केल 1 × 16 over 176 ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस इसमें करिए 105, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें सॉल्व हो गया 462 और फिर माइनस माइनस के एक्सरसाइज कर लीजिए, माइनस ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये हो जाएगा 805, कितना हो जाएगा 30 कैरी 1 109 10 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 और हो जाएगा माइनस, ये इसका सुनो ली 5 और 6 11 कैरी 1 कैरी 1 1 3 3 और हो जाएगा 10 कैरी 1 2 1 3 4 ये हो जाएगा 1 4 6 2 ओके। ये माइनस इसको इसमें माइनस कर दीजिए, दिस क्वेश्चन इज ग्रेटर देन टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर इज फाइंड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22 इसको वी नो दैट हम बोल करें तो वी नो वी नो दैट जानते हैं कि दिस को है वही क्वेश्चन 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस ब्रैकेट माइनस 8/21 प्लस 5/22 इसका एलसीएम लिया 7 11 22 और इसका जो एलसीएम लेंगे एलसीएम फाइंड होगा 4 62 इसको सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे 3/7 माइनस 6/11 माइनस 8/21 प्लस 5/22 इसमें 7 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 7 6 = 42 और बचेगा आपका 4 6 = 42 इसका मल्टीप्लाई किया 198 इसका देंगे डिवाइड और 11 4 = 44 44 2 11 2 = 42 मल्टीप्लाई 6 माइनस और ये 21 का डिवाइड करेंगे इसमें और ये हो जाएगा आपका 22 = 42 42 4 4 11 21 2 = 42 मल्टीप्लाई 8 और इसका मल्टीप्लाई किया प्लस इसका इसमें डिवाइड किया 21 बन गया इसका 5 मल्टीप्लाई किया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 198 माइनस 22 माइनस 222 माइनस 176 प्लस 105 अपॉन 4
4 6 2 इसको ऐसे मैं पॉजिटिव है ये नेगेटिव है प्लस और माइनस को हमने ऐड करके ये हो गया 303 ये हो गया 303 माइनस इसको ऐड किया ये माइनस और ये माइनस और इसको हम ऐड किया तो जाएगा 401 और इसमें से नेगेटिव किया तो आपका नेगेटिव किया है इसमें से इसको करना है माइनस तो हो जाएगा 98/462 माइनस इसको 2 से डिवाइड कर दिया इसको 2 से काट दिया इसको 2 से काट दिया ये आएगा -49/231 ओके ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और दैट इज क्लियर कोई प्रॉब्लम हो सही है ओके राइट थैंक यू So that this question is relational number. आपको क्वेश्चन दिया है -3/6 x 7/6 36 क्रॉस 8/2 -5/4 क्रॉस इसको हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इसको ये मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपका मल्टीप्लाइकेशन मेथड है इस मल्टीप्लाई मेथड में क्या करें इसको देगी 3/6 क्रॉस हो जाएगा क्रॉस 7/36 मल्टीप्लाई 8/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/4 और इसको 3 से क्रॉस कर दो तो इसका 3 से डिवाइड करें तो 12 बार जाएगा और ये हो जाएगा 3/6 थ्री क्रॉस हो गया -1/6 मल्टीप्लाई 7/12 इसको 2 से काट दीजिए तो 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5/4 हमने ये क्रॉस ये सॉल्व किया और इसके इसके बाद इसको भी नेक्स्ट आगे बढ़ा सकते हैं 7/6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -5/4 इसको इसमें ले सकते हैं और ये हो जाएगा 4 से ये कटिएगा 3 बार और आपका हो जाएगा बन जाएगा 7/5 -5/6/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -35/24 आंसर आ गया और इसमें दिया है कि सो दैट दिस क्वेश्चन इज रेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मेथड है आपका 3/6 -3/6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 36 मल्टीप्लाई 8/2 मल्टीप्लाई -5/4 इसका हमने सॉल्व किया देखिए दिस इज -30/5 20/24 दिस इज रेशनल नंबर इट्स रेशनल नंबर दिस -30/24 इज रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दिस इज p/q इज रेशनल नंबर नंबर q नॉट इक्वल टू 0 दैट्स